नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल GS60 Point पे। आज हम सामान्य अध्ययन में जो है तद्भव तत्सम के अगले भाग को देख लेते हैं। और तद्भव तत्सम जो है परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप इनको अच्छे से याद कर लीजिए। देखिए, यहाँ पे आपका दे रखा है तद्भव और यहाँ पे आपका दे रखा है तत्सम। तो तद्भव क्या होते हैं? जो जिनकी उत्पत्ति तत्सम शब्दों से होती है वही क्या कहलाते हैं? तद्भव कहलाते हैं। और जो तत्सम होते हैं वो संस्कृत के जो मूल वर्ड होते हैं, मूल शब्द हैं, उनको तत्सम बोलते हैं। तो पहला दे रखा है कृपया, तो कृपया तद्भव है ये। और उसका अगर हम तत्सम में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे कृपया, ठीक है? तो इस तरह से लिखना है आपको। उसमें पूरी पा होगी तब ये क्या कहलाएगा? तत्सम कहलाएगा। आधी पा होगी तो तद्भव कहलाएगा। फिर कुंवारा, कुंवारा क्या है? तद्भव वर्ड है। काफी बार पूछा गया है कि कुंवारा जो शब्द है वो तद्भव है तत्सम है, तो कुंवारा जो है तद्भव है और तत्सम इसका कितना है? कुमार का। अगला है कुम्हड़ा, तो कुम्हड़ा का क्या हो जाएगा तत्सम? कूष्मांड, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। कुल्हाड़, कुल्हाड़ का क्या हो जाएगा? कुठार, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। कूची, काफी बार पूछा गया है, तो कूची का जो है तत्सम होता है वो क्या होता है? कूर्चिका होता है। कैवट, केवट का क्या हो जाएगा? कैवर्त। कैथा, कैथा का क्या हो जाएगा? कपित। कोहनी, कोहनी का क्या हो जाएगा? कफोनी। कौवा, कौवा का क्या होता है? काका। यह भी काफी बार पूछा गया है, इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। और कोयल, कोयल का क्या होता है? कोकिल। कोकिल क्या है? आपका तत्सम है। और कोयल क्या है? तद्भव है। यह भी इम्पोर्टेंट है। फिर कान, कान का आपको पता होगा कर्ण होता है, तो कान का जो तत्सम होता है वो कर्ण होता है। अगला है, अगला क्या आपका है? कांसा, तो कांसा जो है उसका तत्सम अगर हम तो क्या होता है तत्सम उसका? कांस्य। तो कांसे का जो तत्सम है वो कांस्य होगा। इसका मतलब ये हुआ कि कांसा है वो तद्भव है। काजल, काजल का क्या हो जाएगा? कैसे लिखेंगे तत्सम उसका? तो ऐसे लिखेंगे काजल, ठीक है, कज्जल। फिर खंभा, खंभा का क्या हो जाता है तत्सम? स्तंभ। खीर, ये बहुत पूछा गया है, इम्पोर्टेंट है। खीर का क्या होता है? खीर होता है। ये देखिए ऐसे लिखना है इसको है। फिर खप्पर या फिर खपड़ा को क्या कहेंगे? खरपर कहेंगे। ये भी इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। खेत, ये भी काफी में पूछा गया है कि खेत जो है वो तत्सम है या तद्भव, तो खेत जो है तद्भव है। और खेत का जो तत्सम शब्द होता है वो क्या होता है? क्षेत्र। अगला है खुजली, खुजली का क्या हो जाएगा? खरजू। खान, खान का क्या हो जाएगा? खनी होता है तत्सम शब्द। खंडहर की बात करते हैं तो खंडहर जो है तद्भव ऐसे लिखते हैं, और तत्सम क्या होता है? खंड ग्रह। ये तो ये क्या हो गया आपका? तत्सम हो गया। फिर खजूर, तो खजूर का तत्सम क्या होता है? खुर्जर, ये ऐसे लिखते हैं उसको है। फिर खत्री, इंपॉर्टेंट है आपका, काफी पूछा गया है खत्री, तो खत्री जो है तद्भव शब्द है और उसका तत्सम शब्द क्या होता है? क्षत्रिय। तो ये काफी बार पूछा गया, आप देखेंगे पिछले वर्षों के क्वेश्चंस में। फिर गंवार, गंवार के तत्सम क्या हो जाता है? ग्रामीण। तो याद रखिए जो गांव है, गंवार मतलब, गंवार का क्या हो जाएगा तत्सम शब्द? ग्रामीण हो जाएगा। अगला जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, अगला है गदहा। गदहा जो है, देखिए हमने आपको बताया था कोई जानवर हो, कोई फूल हो या फिर कोई जंतु है, किसी इस टाइप के जो यानी कि नाउन्स होते हैं, नाउन यानी संज्ञा होती हैं, वो जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ऐसे ही गदहा का क्या हो जाएगा तत्सम? गर्धव। तो गर्धव जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। फिर गवैया, ये भी काफी पूछा गया है, गवैया का क्या होता है? गायक। तो गायक क्या हो गया? तत्सम शब्द हो गया। और गवैया क्या है? तद्भव शब्द हो गया। गाय, गाय, तो गाय का क्या हो जाएगा? गो, यानी कि गो क्या है आपका? तत्सम शब्द होगा। गिद्ध, तो गिद्ध क्या क्या हो जाएगा? गृद्ध। गोबर, गोबर क्या हो जाएगा? गोविष्ट। तो ये भी इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। चलिए आगे देख लेते हैं, अगला है गेहूं। तो ये भी काफी बार पूछा गया है, तो गेहूं जो होता है आपका तद्भव शब्द हो गया ये। और गेहूं का तत्सम होता है गोधूम, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। गाजर, तो गाजर क्या हो जाएगा? ग्रजन हो जाएगा। गांठ, गांठ का क्या हो जाता है? ग्रंथि, ग्रंथि इसका मतलब क्या हुआ? तत्सम शब्द हो गया ये। गाभिन, गाभिन का क्या हो जाएगा? गर्भिणी। ये भी इम्पोर्टेंट है, काफी पूछा गया है कि गर्भिणी जो है क्या है, तो गर्भिणी जो है तत्सम शब्द है और गाभिन जो है वो तद्भव शब्द है। फिर गाहक, तो गाहक जो है आपका वो तद्भव शब्द हो जाएगा। और ग्राहक यानी कस्टमर जो होता है ग्राहक, तो ग्राहक क्या हो जाएगा? वो तत्सम शब्द है। फिर गुफा,
तो गुफा का जो तत्सम शब्द है वो क्या है, गुहा। गुसाई, तो गुसाई का क्या हो जाएगा, गोस्वामी, तो ये भी याद रखिएगा। गूंजना तो जो गुंजन हो जाएगा इसका। गेंद, गेंद का क्या हो जाएगा, कंदुक, ये भी इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा गया है। गेंद जो है तद्भव शब्द है, और कंदुक, कंदुक जो होता है वो गेंद का जो है तत्सम शब्द है। गोद, गोद का जो तत्सम क्या होगा, गोत्र। गोद, गोद का होता है क्रोड। गर्मी, गर्मी का क्या होगा, घर्म, घर्म ऐसे लिखते हैं उसको, है गर्मी का जो होगा वो, उसका तत्सम शब्द क्या होता है, घर्म। तो ये थोड़ा अजीब सा है, अलग सा है, तो इसको याद कर लीजिएगा। अगला है ग्राहक, तो ग्राहक है तो ग्राहक हो जाएगा, अभी हमने देख लिया था। फिर गणेश, तो गणेश देखो तत्भव में कैसे लिखते हैं, गणेश इसमें ना यूज करते हैं, और जब यहाँ पर तत्सम शब्द में तो गणेश, तो वहां पे ये ना यूज करते हैं, गड़ा, तो गणेश हो जाएगा यहाँ पे। फिर गलत, तो गलत हो जाएगा, गलत क्या है आपका, तत्सम शब्द है। गर्दन, ये काफी बार पूछा गया है, तो गर्दन का क्या होता है तत्सम, ग्रीवा। घी, बहुत इंपॉर्टेंट, घी का क्या हो जाएगा, घृत। तो घी का जो तत्सम शब्द होता है वो होता है घृत। घर, घर का होता है ग्रह। घड़ी, घड़ी का होता है घटिका। घोड़ा, बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी पूछा गया है, तो ये होता है घोटक। आपको पता भी होगा घोटक के बारे में, घोटक क्या होता है आपका, है घोड़ा को भी बोलते हैं घोटक, तो ये तत्सम शब्द होता है घोड़ा का। घरनी, घरनी का क्या हो जाएगा, गृहिणी। घिसना, घिसना क्या हो जाएगा, घर्षण। घूंघट, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, तो इसका क्या होता है, गुंठन। तो ये पूछा था कि घूंघट जो होता है उसका तत्सम शब्द क्या है, तो गुंठन। चक, चक क्या होता है, चक्षु, यानी कि आंख की बात हो रही है यहाँ पर है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार आया हुआ है। चक्षु देता है ऑप्शन में, आप पूछेगा कि क्या है ये, तो ये हमारा तत्सम शब्द है, और चक जो है वो क्या है, तत्भव शब्द है। फिर चमार, चमार का तत्सम क्या होता है, चर्मकार। चना, ये भी काफी बार पूछा गया है, चना, तो चनक। चितेरा, चितेरा का मतलब चित्रकार हो जाएगा उसका तत्सम शब्द। चीता, चीता का क्या हो जाता है तत्सम, चित्रक। चोरी, चोरी का तत्सम चोर, चौपाया, ये बहुत बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है आपका। चतुष्पद, नेक्स्ट आपको क्या है, चमड़ा, तो चमड़ा का क्या हो जाएगा तत्सम, चर्म। चूना, चूना का क्या हो जाता है, चूर्ण हो जाता है। चांद, चांद का जो तत्सम शब्द होता है वो होता है आपका चंद्र। फिर चिड़िया, चिड़िया का तत्सम क्या हो जाएगा, चटिका, तो ये भी याद कर लीजिए, थोड़ा अलग सा है ये। चैत, तो चैत्र हो जाएगा, आपको हमने बताया था कि कोई भी जो हिंदी कैलेंडर है उसके महीने को भी पूछता है, वो आषाढ़, चैत, बैसाख, तो आपको पता होना चाहिए कि उसका तत्सम शब्द क्या होता है और उसका तद्भव शब्द कैसे लिखते हैं। फिर 14, तो क्या हो जाएगा, चतुर्दश, संख्याएं भी पूछता है कभी कभी वो। चरण, तो चरण को क्या लिखेंगे, चरण लिखेंगे ऐसे। फिर छाजन, तो छादन हो जाएगा यहाँ पे, ये भी इम्पोर्टेंट है। छेद, छेद का छिद्र होगा तत्सम, तो ऐसे पूछ सकता है कि छेद क्या है, तो तत्भव है, और छिद्र क्या है, तत्सम है। छकड़ा, तो शकट हो जाएगा ये। छाता, छाता का क्या होता है तत्सम, छत्रक होता है। छोटा, छोटा का क्या हो जाएगा, क्षुद्र हो जाएगा। अगला आपका जीभ, तो जीभ का क्या हो जाएगा, जीवा, ठीक है। जीवा कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखिए, आदि हा हो गया, वाह, इस तरह से लिखते हैं इसको, तो जीवा इस तरह से लिखते हैं, तो क्या हो जाता है आपका, ये तत्सम शब्द है ये, और जीव क्या आपका है, तद्भव शब्द है। फिर जुगत, जुगत क्या हो जाएगा, युक्ति हो जाएगा। जंगला, जंगला का क्या हो जाएगा, वातायन, तो ये इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा गया है ये। जमाई, जमाई का क्या होता है, जमाता। फिर जौ, बहुत बार पूछा गया है, तो जौ का जो तत्सम शब्द है वो है जव। फिर जमुना, तो जमुना जो है आपका तद्भव शब्द है, और उस यमुना शब्द जो होता है वो क्या है, तत्सम शब्द है, यानी ओरिजिन जो शब्द है, ओरिजिनल शब्द है वो क्या है, यमुना है। जड़, जड़ का क्या हो रहा है, जटा। जम, जम का यम। जनेऊ, जनेऊ होता है उसको क्या बोलते हैं तत्सम शब्द में, यज्ञोपवीत, तो यज्ञोपवीत जो है तत्सम शब्द है, और जनेऊ क्या है, तत्भव शब्द है। फिर जम्हाई, जम्हाई का
जरम्भिका लिखते कैसे ये भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि वर्तनी गलत वरना बहुत गलती होंगी। फिर जलना, जलना क्या क्या होगा, ज्वलन, जांग, जांग का जंघा, जागना, जागना का जागरण, तो जागरण जो है तत्सम शब्द आपका है ये। अगला देख लेते हैं जजमान, तो जजमान का क्या होगा, तत्सम यजमान। फिर जेठ, जेठ का क्या होता है, ज्येष्ठ होता है तत्सम शब्द। जोगी, जोगी का तत्सम शब्द क्या होता है, योगी होता है, यानी कि योगी से बना है जोगी। जामुन, जामुन का जम्बुल, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर जोधा, जोधा का क्या होगा, योद्धा, यानी योद्धा शब्द से जो उत्पत्ति हुई है जोधा शब्द की। चलिए आगे देख लेते हैं, अगला है जुआ, तो जुआ का जो तत्सम शब्द है वो होता है दूत, इस टाइप से लिखते हैं दूत। और झरना, झरना का क्या हो जाएगा, निर्झर। झंडा, झंडा का क्या हो जाएगा, ध्वज। तो झंडा जो है तद्भव शब्द है वो, और जो ध्वज है वो क्या कहलाता है, ध्वज जो है वो तत्सम शब्द है। झीना, झीना का क्या हो जाएगा, झीण। झीण क्या है, तत्सम शब्द है। झूठा, झूठा का तत्सम शब्द क्या होता है, झूठ, तो इस तरह से लिखते हैं झूठ। टकसाल, तो ये क्या होता है, टंकशाला। ठंडा, तो स्तब्ध, तो स्तब्ध क्या है आपका है, तत्सम शब्द है, और ठंडा शब्द जो है वो क्या है आपका, वो है तत्भव। डांड, तो उससे बना है दंड, यानी दंड से बना है डांड। ढीठ, ढीठ यानी कि दृष्टि का हुआ। फिर ढीठ इस तरह से अगर होगा तो क्या होगा, ध्रष्ट होगा। तलवार, तो तरवारी, काफी बार पूछा गया है आपका तलवार का, तो उसको क्या बोलते हैं, तरवारी। अगला आपका है तांबा, तांबा का क्या हो जाएगा, ताम्र, बहुत बार पूछा गया है ये। तालाब का मालूम होना चाहिए आपको, तड़ाक बोलते हैं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तीखा, तो तीक्ष्ण, तो तीक्ष्ण क्या है आपका, तत्सम हो गया। तीता, तीता का तिक्त, बहुत बार पूछा गया है, तो तिक्त जो है का लगा देंगे तो तत्सम हो जाएगा, और तीता बोलेंगे तो ये तत्भव हो जाएगा। तुरंत, तो उसका क्या हो जाएगा, त्वरित। त्योहार, तो तिथिवार, ध्यान रखिएगा त्योहार जो आपका है वो क्या है, तत्भव शब्द है, और तिथिवार जो होता है वो है तत्सम। तपसी, तो इसका तत्सम क्या होता है, तपस्वी। तीर्थ, तीर्थ का तीर्थ होता है, तो याद रखिएगा तीर्थ जो है वो क्या है, तत्सम शब्द है, और तीर्थ वो है तत्भव शब्द, यानी कि तीर्थ से ही बना है तीर्थ। थल, तो इसका तत्सम क्या होता है, स्थल। थाली, थाली का स्थाल, बहुत इंपॉर्टेंट, काफी बार पूछा गया है कि थाली का जो है तत्सम शब्द क्या होता है, तो स्थाल होता है। फिर थकान, थकान का क्या हो जाएगा, तत्सम शिथिल। दही, दही का तथी, ये भी बहुत बार पूछा गया है। दांत, तो दांत का दंत। दुबला, दुर्बल, दुबला का क्या हो जाएगा, दुर्बल, तो दुबला का हो गया आपका दुर्बल। फिर अगला है दाई, दाई का क्या जो तत्सम क्या हो जाएगा, धात्री या फिर धाया बोलते हैं। दुपहरी का क्या हो जाएगा, द्विपहरी, ठीक है, तो याद रखिएगा द्विपहरी। फिर दिवाली, दिवाली जो है आपका क्या है, तद्भव है, और दीपावली क्या है आपका, तत्सम शब्द है। फिर जैसे दूज, तो दूज क्या हो जाएगा आपका, तत्भव हो जाएगा, और दूज का जो तत्सम शब्द क्या हो जाएगा, द्वितीया। फिर दूध, तो दूध का क्या हो जाएगा, दुग्ध। तो आज हम इतने ही देखते हैं तत्सम शब्दों को, नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले भाग को देखेंगे, और आप इनको बार बार दोहराते रहिएगा, दोहराएंगे नहीं तो आप भूल जाएंगे फिर, और बार बार दोहराएंगे, लिख के प्रैक्टिस करेंगे तो आपको लंबे समय तक ये चीज़ें याद रहने वाली हैं, ठीक है। और सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और परीक्षा में एक एक नंबर की बहुत वैल्यू होती है, इसलिए जो है आप इनको छोड़िएगा नहीं, इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो हम फिर यहीं पर ख़त्म करते हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जो करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही में अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।